ग्वालियर में जयारोग अस्पताल समूह के 1000 बिस्तर के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर द्वारा सर्पदंश से पीड़ित युवक की मौत के बाद उसके भाइयों को कमरे में बंद कर पीटने का मामला अभी थमा नहीं था कि एक बार फिर मरीज और उसके परिजन से मारपीट की गई है। मरीज का आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने उन पर जमकर लाठघूसे चलाए, तो वहीं डॉक्टर का कहना है कि उनके साथ मरीज के साथ आए लोगों ने मारपीट की है। मारपीट के बाद दोनों ही पक्ष कंपू थाने पहुंच गए और एक दूसरे पर आरोप लगाए, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। देखिए रिपोर्ट। डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ एंड कंपनी की तानाशाही। जयारोग्य अस्पताल समूह के 1000 बिस्तर अस्पताल में मारपीट। डॉक्टरों ने मरीज, अटेंडेंट और परिजन को पीटा। ड्यूटी रूम में लेटने पर जूनियर डॉक्टरों ने मरीज को पीटा। दरअसल भिंड के बरो थाना क्षेत्र के अमृतपुरा निवासी उमेश सिंह बीमारी के चलते पिछले 3 दिन से 1000 बिस्तर अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उन्होंने बताया कि उपचार के दौरान उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो उसे तृतीय तल पर स्थित सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने के लिए चिकित्सकों ने कहा। उमेश के परिजन का आरोप है कि वार्ड में जगह नहीं थी, ऐसे में उमेश वहीं डॉक्टर ड्यूटी रूम में लेट गया। ये देख जूनियर डॉक्टर नाराज हुए, उन्होंने अभद्रता करते हुए उमेश को बाहर निकाल दिया। जब उमेश और उसके परिजन ने विरोध किया तो जूनियर डॉक्टरों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान डॉक्टरों ने महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, तो वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब उमेश को ड्यूटी रूम से बाहर निकलने के लिए कहा तो परिजन ने मारपीट कर दी। मारपीट की घटना से गुस्साए जूनियर डॉक्टर्स काम बंद कर कंपू थाना पहुंच गए और दोनों पक्ष एक दूसरे पक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कराने पर अड़े रहे। बता दें कि ग्वालियर में सरकारी अस्पतालों के लगातार 3 मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज नहीं करने की धमकी दी है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मुझे तो ये पता चला कि वहाँ झगड़ा हो रहा है, तो मैं वहाँ पहुँचा तो इसकी मारपीट कर रहे थे, इसको बचाया। कौन मारपीट कर रहा था? डॉक्टर लोग ही थे और एक और था, उसकी भी मारपीट कर रहे थे। ये इतनी जानकारी हमें थोड़ी, हम तो पीछे पहुंचे थे तब मारपीट चल रही थी इनकी, तो हमने इनको बचाया। एक और था उसको भी बचाया, दोनों को बचा के फिर थाने लेके आए। 1000 बिस्तर में? हाँ, मतलब डॉक्टर मार रहे थे तो लगातार छोड़ दिया डॉक्टर का, डॉक्टर को इतना मारा हुआ जी सर। 1000 बिस्तर लगातार व्यवहार बनता जा रहा है और आदमी विश्वास उठता है सरकार को, इसको क्या करें? इसके लिए कौन डॉक्टर पटेंगे? डॉक्टरों की पिटाई जब 200-300 लोग आती है, अभी आप देखो लोगों ने थाना घेरा घेरा है। ये क्यों ऐसा हो? नर्स को लात घूसों से कोई व्यक्ति पीट रहा है तो नर्स मरीज का इलाज करने आई। भाई जो का आरोप है कि नर्सों ने इलाज नहीं किया था, इलाज के लिए मुझे बार बार बोला था, वही कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए नर्स को देगा वो पिटेगी? आप कोई महिला मरी मार, किसी महिला नर्स को बेचारे वहाँ काम करने आ रही है, क्या उसको पिटाई को आप जायज समझते हैं? किसको क्या बीमारी थी? वो धोखे से हाथ पे जो पिप गया था। अच्छा, तो उसके लिए हमको शिफ्ट किया था, तो वहाँ से लाके 3 नंबर में आज मेरे को एडमिट किया गया। वहाँ पे आते तो मेरे को चक्कर आने लगे थे, तो एक बाजू में रूम था तो मैं उसमें जाके बैठ गया। एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला इसमें किसकी मर्जी से आए आप? मैंने कहा सर मेरे को तो पता नहीं है ना जानकारी है, ऐसी अगर कुछ वो हो गई तो हम निकल जाते हैं। हम निकलने लगे बाहर, निकल आए हम लोग सब बाहर आ गए बाहर। फिर हमको डॉक्टर ने बुलाया बाद में कि बोला आया तुम्हारा इलाज करेंगे, तो ये 3-4 लोग सब मेरे को अंदर लेके गए और गेट बंद कर दिया और बस फिर हमारी वो सब लोग मिल के हमको मारने लगे। हमारे साड़ो भाई साहब के लड़का उमेश सिंह भर्ती हुए थे तो 6 नंबर से आज शिफ्ट किया 3 नंबर में। कहाँ पर जो थे? ये 1000 बेड के हॉस्पिटल में थे। उसके बाद में वो वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, उसको चक्कर आ रहे थे तो उसने जा कर के एक कमरा खुला था वहाँ लेट गया और वहाँ पे क्या बोलते हैं डॉक्टर आया तो बोला हाँ कैसे आ गए, और उसके बाद में 10 मिनट बाद वो उसको अंदर ले गए और 4-5 डॉक्टर उसको मारने लग गए। हम उसको बचाने के लिए वो उसको कम वो खोल करके गेट को खुलवाया और पूरे बवाड़ के आदमी सब इकट्ठे हो गए, तब जाके उसको
गेट तोड़ के वो खोला। हाँ, उसके बाद में फिर हम नीचे आ गए तो नीचे गेट के सामने इधर मुझे मारा है।